तो कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है भाई, हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ये दोनों सिमिलर हैं, तो हम क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, सभी बोलेंगे डीएफ। अब किसकी बात कर रहा है वो? बीसी की। तो बीसी स्क्वायर अपॉन ईएफ स्क्वायर, बीसी स्क्वायर अपॉन ईएफ स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? अब बी से ए बी इनका एरिया कितना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी 64 अपॉन, और बी सी या ये बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर कितना हो गया, 14.5 नहीं है, 15.4 का होल स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 इंटू 15.4 का होल स्क्वायर अपॉन 121। एक मिनट, आपको दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, इधर लिख देते, यहां तक लिख लो भाई, इधर लिख दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीई है इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर। इसका एरिया है 64 अपॉन 121, बी सी स्क्वायर ई एफ की वैल्यू है 15.4 का होल स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर हो गया आपका 64 इंटू 15.4 का होल स्क्वायर अपॉन 121। अब इसका स्क्वायर रूट ले लो भाई, 64 का स्क्वायर रूट सभी बोलेंगे 8 और 121 का 11। 11, तो 8 अपॉन 11 इंटू 15.4 भाई, स्क्वायर लिखा हुआ है तो उसका स्क्वायर रूट 15.4, 8 अपॉन 11। बेटा कल जब भी आएंगे ना, कल क्लास में 9:30 बजे, तो ये जितने क्वेश्चंस गलत हुए हैं सब मेरे को चाहिए कॉपी, तेरे तो सही है, उसके अलावा औरों से बोल रहा हूँ, जितने क्वेश्चंस आपके गलत हैं वो मुझे कल कॉपी में चाहिए। मौलिक तुम्हारे मार्क्स कितने बताए थे मैंने? मौलिक सेवनटीन कुछ थे, अब वो तुम्हें देखना पड़ेगा, अभी पूछ लूंगा। 14 × 8 11.2 सेंटीमीटर, बीसी इक्वल टू 11.2 सेंटीमीटर, ये हमारा बीसी का वैल्यू आ गया। इसमें कोई डाउट? पक्का समझ में आ गया? तो ये मैंने क्या बोला, ये एमसीक्यू में पूछे जाने वाली प्रॉब्लम है, और कल से मैंने क्या बोला आपको, 10 क्वेश्चन रोजिना मिलेंगे एमसीक्यू के, और वो आपको देना है, मैं कहीं भी दे सकता हूँ, कुछ भी, पुराने जितने भी चैप्टर हो गए सभी, 2 दिन रोजिना 10 क्वेश्चन करके लाने, और वो डिस्कस होंगे क्लास में 15 मिनट में, 15 मिनट डिस्कशन, 45 मिनट की क्लास रोजिना की, आप रोजिना यही रहेगा मंडे से, ताकि आपको एमसीक्यू करने की आदत रहे। फिर जो बोल रहा है ना मुझे दिक्कत आ रही है, तो वो आपको प्रैक्टिस करने से ही आएगा, आपको पता लगेगा ना किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तब क्लियर होगा। चलिए लिख लीजिए बेटा, बीसी इक्वल टू 11.2 सेंटीमीटर। हो गया फर्स्ट वाले प्रॉब्लम में कोई दिक्कत? नेक्स्ट, डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम, ए बी सी डी विद ए बी पैरेलल टू सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, इफ ए बी इक्वल टू 2 CD फाइंड द रेशियो एरियाज ऑफ
ट्राइंगल एओबी एंड सीओडी, इसका एरिया का रेशियो चाहिए मुझे। अगेन ये भी एमसीक्यू की प्रॉब्लम है, ऑप्शंस गिवन होंगे आपको 1:4, 4:1, 2:3, 9:16 इस तरह के। अब कैसे करेंगे, बड़ा इजी प्रॉब्लम है, ध्यान से समझना। ए बी बड़ा है, ए बी किसका डबल है, तो देखो सर ये ए बी बड़ा कर दिया मैंने, ए बी सी डी दोनों का इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ओके। और मैं जिससे पूछूं वही जवाब देगा, किस किस का एरिया निकालना है, एओबी और सीओडी, मतलब एओबी और सीओडी को मुझे सिमिलर करना है, तभी तो एरिया का रेशियो आएगा। सुहावी सिमिलर कैसे होंगे, दो एंगल बता दो मुझे बस भाई, साइड तो आएगी नहीं, एंगल आएंगे बस, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक एंगल हो गया, दूसरा एंगल अरे मैं बताऊं ना बेटा, रुक जा एक सेकंड, तेरे से भी पूछूंगा बेटा, अब बोल। नहीं आ रहा, पक्का आएगा बेटा, मनसुई एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल एओसी, ये वाला एंगल की बात कर रहे हो ना, ये एंगल किसके इक्वल है, इससे, ये बिल्कुल सही, कौन सा एंगल कहलाता है, क्लियर है बेटा, अभी यही बता रहा था मौलिक। यस सर। हाँ सर। ये एंगल इसके इक्वल है, कौन सा एंगल है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी, क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्यों है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भाई, हाँ ए बी इज पैरेलल टू सी डी इसकी, सो देयरफॉर बाय ए सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी ट्राइंगल, देखो यहां पर ओ है, कैसे लिखते हैं, मैंने कल बोला था ओ ए बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ सी डी, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी या ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ डी, तो देखो ए बी स्क्वायर अपॉन सी डी स्क्वायर, कोई दिक्कत किसी को, सभी को समझ में आ गया कैसे लिखा है, ए बी स्क्वायर अपॉन सी डी स्क्वायर, क्लियर है, अब ए बी किसके इक्वल है, टू सी डी, तो यहां लिख रहा हूं भाई देखो उधर, सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ डी, ए बी की वैल्यू टू सी डी का होल स्क्वायर, कितना हो गया, फोर सी डी स्क्वायर अपॉन सी डी स्क्वायर, सो व्हाट इज द रेशियो, 4:1, क्लियर बेटा, किसी को कोई डाउट, नो सर, तुम में से ऑफलाइन किसी को कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है तो बोल दो, स्वामी बोल, जो गिवन होगा वही लेंगे, यदि वो वहां बोलता ओ ए ओ ट्वाइस ऑफ ओ सी ए वो लेता, अभी हमें ए बी गिवन है तो ए बी के देखो इधर ये रहा ए बी, तो ए बी के साथ कौन आ रहा है सी डी, इसलिए ए बी स्क्वायर अपॉन सी डी, लिख लीजिए,
अब जो क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो बता रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी में, इस पर मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाई आज आपका ये कंप्लीट करवा दूंगा एनसीईआरटी, फिर एक्स्ट्रा आपका मंडे से एक्स्ट्रा और ये जो भी है। कल हम क्या करेंगे वापस से बेटा, सभी को बोल रहा हूँ 9:30 to 11:30 ये हम पढ़ेंगे इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सभी को वापस से बोल रहा हूं टाइमिंग है 9:30 to 11:30 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यस, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये बोल रहा है कि ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल बीसीडी आर ऑन द सेम बेस पैरेलल नहीं है, जब तक कुछ नहीं गिवन है नहीं मानना है पैरेलल नहीं है। आर ऑन द सेम बेस बीसी, आर ऑन द सेम बेस बीसी इफ AD and BC intersect at O. If AD and BC intersect at O, prove that area of triangle ABC upon area of triangle DBC, this is equal to AO upon OA upon OD, AO upon DU. लिखिए भाई, ये हमें प्रूव करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC upon एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC is equal to AO upon DU. अच्छा तू 11:30 बजे सर्कल के लिए, 11:30 to 12:30 ठीक है। ये हमें प्रूव करना, बस वही बचा हुआ है ना, और कुछ थोड़ी बचा हुआ, बस कंस्ट्रक्शन तो वो हाथों हाथ बता देंगे उसमें, क्योंकि अगले वीक तो तेरा एग्जाम ही होगा, तो एक और संडे आ रहा है बीच में, एक और आएगा तो। कल तो आ जा, मंडे को एग्जाम है, ट्यूसडे को है। चलिए भाई लिख लिया सबने, भाई सिंपल सी बात है, फिर वापस से मुझे तो एक ही बात बोल रहा हूँ, मुझे ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीबीसी इन दोनों को क्या करना है, सिमिलर करना है, या एरिया के लिए हमें चीजें चाहिए। तो यहां पर एक कंस्ट्रक्शन हो, कंस्ट्रक्शन क्या होगा ये समझो, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये कंस्ट्रक्शन होगा। क्यों, एरिया कैसे निकालोगे, एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस तो पता है दोनों का सेम है, हाइट की तो पता लगनी चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, देखो कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ एएल परपेंडिकुलर टू बीसी एंड डीएम परपेंडिकुलर टू बीसी, डीएम परपेंडिकुलर टू बीसी, ये हमने इसमें कंस्ट्रक्शन कर दिया, AL perpendicular to BC और DM perpendicular to BC. Proof. In triangle AOL and triangle DOM,
इन ट्राइंगल AOL एंड ट्राइंगल DOM, निहारिका AOL दिख रहा है और DMO दिख रहा है, दिख रहा है, बता कौन कौन से क्या है इक्वल। और एक बिल्कुल सही है, एक तो 90 डिग्री और एक वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऑर्डरिंग एंगल कब लगते हैं? जब पैरेलल होते हैं। कहीं देख बोल रहा हुआ पैरेलल फिर ऑर्डरिंग एंगल कैसे लगेंगे? क्या लगेगा? वर्टिकली अपोजिट। देखो एंगल ए एल ओ इक्वल टू एंगल डी एम ओ बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन एंगल ए ओ एल इज इक्वल टू एंगल डी ओ एम ईच वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन सा क्राइटेरिया हो गया भाई? एंगल एंगल सिमिलरिटी। लिखो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। भाई एंगल एंगल सिमिलरिटी से रूपल कौन सा ट्राइंगल किसके सिमिलर होगा, कैसे लिखेंगे? ट्राइंगल एल ओ ए, बिल्कुल सही। ट्राइंगल एल ओ ए इक्वल टू सिमिलर टू ट्राइंगल एम ओ डी, यहां तो कोई दिक्कत। अब यदि ये इक्वल है तो इनका साइड का रेशो भी इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा? ए एल अपॉन डी एम इक्वल टू ओ ए अपॉन, होगा कि नहीं होगा? AL upon DM equal to OA upon OD. अब area of triangle ABC upon area of triangle DBC half into base into height AL, half into base into height DM. BC BC cancel हो गया, half half cancel हो गया, half into base into height, half into base into height. Now what is AL upon DM? यही तो प्रूव करना था, AO upon ये प्रूव। अब कंफ्यूजन बोलो, ये मत बोलना मुझसे कि मुझे कैसे पता लगेगा कि कंस्ट्रक्शन क्या करना है। ये प्रैक्टिस है, ये आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी कि कहां पर क्या कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कैसे होगा, उससे आप भाग नहीं सकते। और धीरे धीरे क्वेश्चंस जब करोगे तो अपना पता लगता जाता है कि यार हमें ये करना है। जैसे तुमने बोला ना कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि उसको जोड़ना जोड़ना, वरना दो पैरेलल कैसे आएगी, कैसे लगाएगी तू? पैरेलल नहीं होगा तो फिर रेशो कैसे निकालेगी? भाई यदि कहीं ना कहीं मुझे बीपीटी लगाना है तो उसको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। यहां पर मुझे करना है तो मुझे इसका रेशियो इसके इक्वल लाना ही पड़ेगा, इसका मतलब मुझे परपेंडिकुलर डालना है। चलिए लिखिए, मतलब हलवा नहीं मिलेगा। आप सोचोगे यार सीधा डायरेक्ट मिल जाएगी भाई प्रूव करो, ऐसा नहीं होगा। लिखा कोई दिक्कत? वो सर लिख लिया।
किसी को कोई दिक्कत? नो सर। अब मौलिक बेटा आप भी है ना ऑफलाइन आने की तैयारी कर लो, मैं अलाउ नहीं करूंगा, तुम सही बता। यस सर, यस सर, यस सर। दो दिन की और मस्ती कर ले तू बस, उसके बाद किसी को अलाउ नहीं करूंगा, बस अभी को छोड़ के। चलिए इसके बाद मैं नेक्स्ट कॉलम बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी अगेन आपका एमसीक्यू में पूछी जाने वाली प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 7 लिख लो उसको। प्रूव डेट एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ द स्क्वायर is equal to half the area of equilateral triangle described on its diagonal. अब देखो क्या बोल रहा है, एक स्क्वायर है, सपोज एबीसीडी स्क्वायर मान, लेट एबीसीडी इज स्क्वायर, ये हमने एबीसीडी एक स्क्वायर मान, जिसकी साइड क्या मान ली, इसका साइड का लेंथ मान लो कुछ भी, ए मान, ये भाई हम लिख देते हैं ए, यहां तक कोई दिक्कत? अब उसने बोला एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो आपने किधर बनाया, साइड पर, कहा बनाया साइड पर, कोई सी भी एक साइड को पकड़ो और वहां पर इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दो, कैसे देखो तो कौन सी साइड पकड़ो बताओ, जो आप बोलोगे सर, सीबी, सीबी पकड़ लिया, चलो एक अकेला ए पकड़ सकते हैं, कुछ भी, ये आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका मतलब ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये है तो ये भी ए है, ये भी ए है, ठीक। एक किस पे बनाया, डायगोनल पे, ये रहा डायगोनल, ये डायगोनल पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओ, ये डायगोनल पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, बोल बोल कल्पना बोल, क्वेश्चन पढ़ अच्छा मुझे एक चीज बताओ, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे, क्यों क्यों सर? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारे एंगल जो होते हैं वो 60 डिग्री होते हैं, सारे एंगल 60 डिग्री है, तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से हो गए, सारे एंगल 60 डिग्री है तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से हो गए, तो आप डायरेक्ट बोलोगे भाई देखो कैसे, ट्राइंगल BCE is similar to triangle DBF because both are equilateral triangle. भाई यही काफी है, जैसे बोलते हैं ना नाम ही काफी है, तो यहां पर यही काफी है कि भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल है,
और एक दो कोई भी दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमेशा क्या होंगे सिमिलर होंगे, कोई भी दो इक्विलेटरल एंगल हमेशा सिमिलर होंगे। अब यदि ये सिमिलर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबी है इक्वल टू बीसी स्क्वायर अपॉन डीबी स्क्वायर, प्रॉपर्टी से जो आपकी थ्योरम थी उससे साइड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबी है, तो ये किसके इक्वल हो गया बीसी स्क्वायर अपॉन डीबी स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलो। अब बेटा मैं लगभग कम से कम जब से पढ़ाना स्टार्ट किया तब से एक ही चीज बोल रहा हूं कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, रूट टू टाइम्स द साइड्स ऑफ स्क्वायर। अब ये तो रट लो आप, अभी हमने टेस्ट वाले क्वेश्चन में भी यही आया था डायगोनल ऑफ स्क्वायर, तो डी बी इज इक्वल टू रूट टू टाइम्स ऑफ बीसी। डीबी किसके इक्वल होता है रूट टू टाइम्स ऑफ बीसी, डायगोनल ऑफ स्क्वायर हमेशा रूट टू टाइम्स ऑफ बीसी होता है। रख दो बस डीबी, अरे किसकी जगह डीबी की जगह क्या रख दो रूट टू बीसी। तो देखो सर यहां तक कॉपी कर लो फिर लिख रहा हूं। बहुत थकान भरी जिंदगी, आराम जरूरी, बहुत मेहनत वाला काम है, सही होगा पढ़ना। बेचारा इतनी दूर से साइकिल से आया है तो अभी हेड डाउन करके क्यों बैठा हुआ है, क्या हो गया, क्या सोच रहा था, क्या कर लिया पूरा? तो फिर मैं पूछू जो जवाब देगा बोल। ये रूट टू टाइम्स ऑफ बीसी कहां से है, कहां से आया नैतिक, ये डीबी जो है वो रूट टू बीसी कैसा है? बोल कहां से आया सलोन, तो वो आया कहां से? और वो तो जो आपका आंसर है उसको तू एलोबरेट कर। रूपल कहां से आया, निहारिका कहां से आया, स्वावी कहां से आया, ये कैसा है? ये मैंने लिख तो दिया कि डीबी इक्वल टू रूट टू बीसी होता है, तो आया कहां से? फिर वही बात, वो तो तुम आंसर को ही बता रहे हो। कल्पना तोसाली मनस्वी भव्य, हाँ बिल्कुल सही, ये क्या है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगेगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा तो डीसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर इक्वल टू बोलो डीबी, सही लिखा? इधर आ अंदर, कहाँ गया था बैठ जा। डीसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर इक्वल टू डीबी स्क्वायर। अब डीसी और बीसी आपस में इक्वल है, क्यों?
थप्पड़ मार दूंगा तेरे, सही बता रहा हूँ मैं, गुस्सा मत दिला मुझे। कौन सा इक्विलेटरल ट्रायंगल, कौन सा इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख रहा है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख रहा है तेरे को? अरे यार कुछ भी जो मर्जी आए वही बोल लेगा, आए तो बोल, नहीं आए तो कुछ भी मत बोल। और ये हर एक क्लास की बात है, फालतू का क्वेश्चन मत पूछा कर बाकी क्लासों में भी, कुछ भी जो मर्जी आए जो मुंह से बोल देगा कुछ भी, मतलब जिसका कोई मतलब ही नहीं है वो हर क्लास में तुम बोलते हो। सब टीचर बोलते हैं कि है ना फालतू के उल्टे क्वेश्चन पूछता है, कोई मतलब नहीं, जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है, बोलता कि नहीं बोलता है, क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है? अरे कुछ लॉजिक तो निकले, कुछ भी अपनी मर्जी से कुछ भी, मैं वहां गया था, वहां मेरे साथ ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख रहा है ये तेरे को, राइट एंगल ट्रायंगल कभी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, रीजन? अरे क्यों नहीं हो सकता तनुश्री? हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस क्या आती है, सबसे बड़ी साइड होती है, तो वो कभी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो ही नहीं सकता, बाकी दो साइड से बड़ी आएगी हमसे, इसलिए वो कभी इक्विलेटरल एंगल नहीं हो सकता। क्या बोला है, ये दोनों क्या है, ये क्या है, स्क्वायर की साइड से तो इक्वल है, इक्वल है तो डीसी की जगह बीसी लिख दूं, टू बी सी स्क्वायर इक्वल टू डी बी स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट लो भाई, रूट टू बी सी इक्वल टू डी बी, इसलिए हुआ भाई ऐसा। जिसको नहीं पता है वो लिख लीजिए प्लीज, आगे से है ना मैं पूछूं तो फिर नहीं होना चाहिए कि कहां से आया, फिर अब वही आंसर दो कि सर वो रूट टू टाइम होता है इसलिए ऐसा होता है। बेटा मैं हमेशा बोलता हूं कि आए तेरे को पता है कि ये चीज सही है तो बोला था, जब तेरे को पता ही नहीं है कुछ भी बोल रहा है, जो मर्जी है जो, हो गया ये तो प्रूफ लोगों तक। एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी है, ये हो गया आपका बी सी स्क्वायर, और ये हो गया